हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तमन्ना वुक। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज का वीडियो एक मेकअप वीडियो है गाइस, ये सब आई मेकअप वीडियो है, फुल मेकअप नहीं है। तो फुल मेकअप मैं कभी और अपलोड कर लूँगी। तो इसमें मैंने सिर्फ ग्रीन कलर का मैंने ये मेकअप किया है, जिसमें मैंने हल्का सा रेड कलर का पिगमेंट डाला है एंड यू नो थोड़ा सा ब्लैक कलर का पिगमेंट डालकर उसको ब्लेंड करके लुक क्रिएट किया है। तो चलिए देखते हैं ये मेकअप। आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, बिकॉज मैंने इसको लिपस्टिक भी बहुत कॉन्ट्रास्ट और बहुत लाइट कलर का लिया है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये फुल मेकअप। सबसे पहले यहाँ पे मैं रिवोल्यूशन के पैलेट ले रही हूँ। यहाँ से मैं एक ग्रीन कलर लूँगी। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर को हल्के से अप्लाई करूँगी और साथ में ब्लू कलर का भी अप्लाई करूँगी, मतलब दोनों आईज़ के दोनों एंड में ब्लू कलर भी थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। ग्रीन कलर को मैं अच्छे से यहाँ पर अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पर जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो सोलिमो ब्रांड का है, फ्लैट ब्रश है, ऐसा कोई भी ब्रश आप ले सकते हैं। इसका जो पिगमेंट आता है बहुत लाइट आता है, मतलब एक बार में अच्छे से अप्लाई नहीं होता। मैं यहाँ पे 2 से 3 कोट यहाँ पे अप्लाई करूँगी और इसको हम बाद में ब्लेंड करेंगे, पहले अप्लाई करेंगे ऐसे आईलिड पे। अभी ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे पैक का ब्रश ले रही हूँ, नंबर 226, और उसी पैलेट में से थोड़ा सा हल्का सा रेड कलर लिख के इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। यहाँ पर लाइट रेड कलर से ब्लेंड किया है, आप कोई सा भी कलर ले कर ब्लेंड कर सकते हैं। अभी इसको मैं ब्लेंड करती रहूँगी अनलेस एंड अंटिल आई एम गेटिंग द डिज़ायर्ड कलर। अब जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे आई शेडो का लुक उतना अच्छे से आता है। मैं और थोड़ा सा ग्रीन कलर लूँगी अपने फिंगर टिप पे और अप्लाई कर लूँगी पूरे आईलिड पे और साइड में ब्लू कलर भी। वहीं पर जिसको स्मूथली ब्लेंड करना है, जब तक सीमलेसली कम्प्लीटली ब्लेंड नहीं हो जाता कलर एक दूसरे के साथ, तब तक आपको ब्लेंड करना है अच्छे से प्रॉपरली। यहाँ पे पैक का ग्लू ले रही हूँ, लैश फिक्सर ग्लू है ये, और एकदम अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी, बिकॉज वो जो मेरा ग्लू है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है और उसका जो स्टे है बहुत अच्छे से रहता है। अगर आपके पास कोई ग्लू हो तो वो बेटर रहेगा। अभी मैं यहाँ से डेलेंसे का ये ग्लिटर ले रही हूँ, बहुत अच्छा पैलेट है, बहुत अच्छा ब्रांड है ये, और इसके जो ग्लिटर है काफ़ी पिगमेंटेड है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें से जो ग्रीन कलर है, ऑलिव ग्रीन कलर टाइप, तो मैं वो लूँगी। पहले मैंने फिंगर से अप्लाई किया, अभी मैं वहाँ यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिटर ब्रश में अप्लाई करूँगी ताकि वो हर तरफ अच्छे से अप्लाई हो सके और आई शेडो के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाए। अभी मैं यहाँ पे लाइनर ले रही हूँ, फॉरएवर 52 कलर ब्लैक। आप कोई सा भी लाइनर ले सकते हैं, नॉर्मल लैक्मे सब का भी लाइनर ले सकते हैं। अब मैं लाइनर अप्लाई करूँगी, लाइनर का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके डिटेल्स दे दूँगी। और लाइनर आप जैसे भी चाहे अप्लाई कर सकते हैं, मुझे ये वे बहुत ईजी लगता है। तो मैं जो मैं अलग अलग टाइप ऑफ लाइनर बनाती हूँ तो मैं अलग अलग वेज अप्लाई करती हूँ, अलग अलग टेक्निक अप्लाई करती हूँ, तो आप वो चेक कर लीजिए, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है वो उसका ट्यूटोरियल। अभी मैं यहाँ पे 2 ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, पैक 115 एंड पैक 263। ये दोनों ब्लेंडिंग ब्रश है जहाँ पे मैं लोअर लैश लाइन क्रिएट करूँगी। अभी तो एक फ्लैट ब्रश है और एक नॉर्मल वाला ब्रश है, तो मैं वही वाला ग्रीन कलर लूँगी जो मैंने मेकअप रिवोल्यूशन के पैलेट से लिया था। ठीक है, पहले हम फ्लैट ब्रश में अप्लाई कर लेंगे, देन ब्लेंडिंग ब्रश में ब्लेंड कर लेंगे। इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे परफेक्टली एंड सीमलेसली। यहाँ पे जो ऊपर मैंने कॉम्बिनेशन लगाया है, मैं हल्का सा रेड कलर लूँगी यहाँ पे, जहाँ पे लोअर लैश लाइन है एग्जैक्टली थोड़ा सा उसके नीचे। मैं यहाँ पे लोअर लैश लाइन में कोई काजल वगैरह नहीं लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो कोई लाइट कलर का, वाइट कलर या लाइट पिंक कलर या यू नो न्यूड कलर का काजल या लाइनर आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो। और फिर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी थोड़ा सा और एक थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर लूँगी और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। और एट द एंड मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर आई शेडो लेके उसके ऊपर जहाँ पे मैंने रेड कलर अप्लाई किया जस्ट उसके नीचे अप्लाई कर लूँगी ताकि ग्रीन ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। ये मैंने आई कलर लिया है वेगा का, अभी हम लैश अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं अभी आई लैश अप्लाई करूँगी एग्जैक्टली ऐसे। पहले मैंने ग्लू लगाया पैक का और बस मैं हल्के हैंड से उसको
उसके ऊपर ग्लू के ऊपर एग्जैक्टली रख के ऐसा प्रेस कर लूँगी। इसके आई लैशेस एप्लीकेटर में मिलते हैं, अगर आप चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं। मुझे एक्चुअली अपने फिंगर्स से लगाना, मुझे अपने हैंड से लगाना, मुझ मैं यूज़ टू हूँ उससे, तो मैं ऐसे ही अप्लाई करती हूँ और बहुत ईजिली मेरे से लग भी जाता है, इसलिए मैं ऐसे अप्लाई कर लेती हूँ इसको। मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। मस्कारा मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मेवलिन का लैश सेंसेशन मस्कारा, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत कम रेंज में आता है एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। एक कोट से ही मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा मस्कारा लगा आई लैशेस लगाने के बाद ही मस्कारा लगाती हूँ, तो मेरे लिए ईजी होता है। अभी मैं अपने इनर कॉर्नर पर थोड़ा सा हाईलाइटर लगा लूँगी, तो अच्छे से आई जो है वो अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा, आई मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने लिया है ये वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो का हाईलाइटर है ये। And with this, we are done with the eye makeup, guys. I hope you really did enjoy this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के। The products and all the details I have given in the description box below, so please check it out if you want something. और कुछ भी products के बारे में अगर आपको जानना है तो please आपको queries मुझे comments में पूछ सकते हैं या तो मुझे personally DM भी कर सकते हैं, मैं definitely उसका answer आपको दूंगी। So thank you so much guys and bye bye, take care.